पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर स्कूट एयरलाइंस की तरफ से छोड़े गए 32 पैसेंजर से माफी मांगी गई है। इतना ही नहीं, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने भी इस मामले में रिपोर्ट मांग ली है और इंक्वायरी को भी शुरू कर दिया गया है। गौरतलब है कि 18 जनवरी को अमृतसर एयरपोर्ट पर 32 पैसेंजर्स को छोड़कर स्कूट की फ्लाइट सिंगापुर के लिए रवाना हो गई थी। एयरपोर्ट डायरेक्टर वीके सेठ के अनुसार पहले फ्लाइट का समय 8 बजे था, लेकिन उसे रीशेड्यूल कर दिया गया। फ्लाइट समय से तकरीबन 4 घंटे पहले उड़ी, लेकिन एयरलाइंस ने पैसेंजर्स को ईमेल भेजी थी, लेकिन एक एजेंट के सभी 32 पैसेंजर्स वहीं पर रह गए। अमृतसर एयरपोर्ट से उस दिन दोपहर 263 पैसेंजर्स ने उड़ान भरी थी, लेकिन 32 पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर ही रह गए थे। रात को अमृतसर एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बाद पैसेंजर्स वापस चले गए और सिविल एविएशन को इसकी शिकायत दे दी। हंगामे के बाद अमृतसर एयरपोर्ट पर हुई घटना को लेकर स्कूट एयरलाइंस ने लोगों से माफी मांग ली है और असुविधा के लिए भी खेद जताया है। पैसेंजर्स की मुश्किल का समाधान भी निकाला जा रहा है। वहीं बता दें कि DGCA ने इस घटना के बाद मामले की रिपोर्ट तलब कर ली है। DGCA अधिकारियों का कहना है कि इंक्वायरी में जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जुरो दीक्षांत से करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल्स।